नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे दिन की बड़ी खबरों की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज एक दिन के उत्तर प्रदेश दौरे पर रहेंगे। अमित शाह लखनऊ में साइंस एवं फोरेंसिक विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे, साथ ही मिर्जापुर में मां विध्वंसिनी कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास और रोप वे सहित अन्य विकास योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। गृह मंत्री इस दौरे में लखनऊ और मिर्जापुर जाएंगे। कार्यक्रम के मुताबिक सुबह 10:40 पर लखनऊ पहुंचकर अमित शाह सरोजिनी नगर में सुबह 11 बजे स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस का शिलान्यास सबसे कुछ ही देर में करने वाले हैं। ये कार्यक्रम दोपहर 1:30 बजे तक चलेगा। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहेंगे। इसके बाद शाह मिर्जापुर के लिए रवाना हो जाएंगे। मिर्जापुर पहुंचने का समय दोपहर 2 बजे के बाद का है। मिर्जापुर में गृह मंत्री सबसे पहले मां विध्वंसिनी का दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद विंध्य कॉरिडोर प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने के साथ रोपवे का शिलान्यास भी करेंगे। शिलान्यास कार्यक्रम दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। सीएम योगी भी अमित शाह के साथ मिर्जापुर जाएंगे। तो यूपी के एक दिवसीय दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट का जल्द ही उद्घाटन करने वाले हैं। मेघालय की भाजपा सरकार में मंत्री सनबोर शिल्लई ने राज्य के लोगों को बीफ ज्यादा खाने के लिए प्रेरित किया है। पशुपालन और पशु चिकित्सा मंत्री सनबोर शिल्लई ने शनिवार को कहा कि लोगों को चिकन, मटन और मछली से ज्यादा बीफ खाने के लिए प्रेरित करें। इससे अल्पसंख्यक लोगों में यह धारणा दूर हो जाएगी कि भाजपा गौहत्या पर प्रतिबंध लगाएगी। हालांकि ये विवादित बयान बताया जा रहा है। सनबोर शिल्लई ने पिछले हफ्ते ही कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली थी। कुछ खबरों की माने तो उन्होंने कहा है कि मैं लोगों को चिकन, मटन और मछली से ज्यादा बीफ खाने के लिए प्रेरित करता हूं, ताकि अल्पसंख्यक लोगों में जो गलत जानकारी है कि भाजपा गौहत्या पर प्रतिबंध लगाएगी, ये दूर हो जाएगी। तो विवादित बयान सामने आया। इस बयान के बाद से ही चारों तरफ इनकी आलोचना होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी नेता का ये बड़ा बयान वाकई काफी मायने रख रहा है। उनका कहना है कि चिकन, मटन की तुलना में बीफ ज्यादा खाएं। ऐसे में अल्पसंख्यकों को जो धारणा है कि वो गौहत्या पर पाबंदी लगाएगी, वैसा नहीं है। ये अजीबोगरीब बयान सामने आया। कुछ दिनों पहले ही उन्हें मंत्री पद की शपथ ली थी और इस तरह का बयान वो दे रहे हैं, तो वाकई इस बयान पर बवाल होना लाजमी है। तो जहां एक तरफ बीजेपी गौवंशों को लेकर लगातार मुहिम चला रही है, कई तरह के अभियान चलाए हुए हैं, कई गौशालाएं खोली हुई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के ही एक नेता जो कि मंत्री पद की शपथ भी ले चुके हैं कुछ दिनों पहले, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो चिकन, मटन और मछली की तुलना में बीफ ज्यादा खाएं। अल्पसंख्यकों को लेकर उनका ये बयान सामने आया है, जिसके बाद वो विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। देश में जानलेवा कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए टीकाकरण अभियान जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में लोगों को अभी तक कोरोना टीके की 46.72 करोड़ से ज्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं। कुल टीके की 53,72,302 खुराक दी गई, जिसमें 38,22,241 लोगों ने पहली खुराक ली, जबकि 15,50,061 लोगों को दूसरी खुराक दी गई है। जून और मई के मुकाबले जुलाई में वैक्सीन की कितनी डोज दी गई हैं, ये भी आपको बता देते हैं। देश में 31 मई तक वैक्सीन की 21,31,54,129 डोज लगी हैं। इनमें से 16,86,13,371 लोगों को पहली डोज लगी है, जबकि 4,45,00,000 से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लग गई है। तो 31 मई तक कितनी डोजें लगी हैं, इसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। जुलाई में टीकाकरण की रफ्तार बढ़ती हुई नजर आई है। आने वाले समय में उम्मीद है कि टीकाकरण और तेजी के साथ बढ़ेगा और दोनों डोज करोड़ों लोगों तक पहुंच चुकी होंगी। अभी फिलहाल बात की जाए तो पहली डोज काफी लोगों को लग चुकी है, लेकिन दोनों डोज अब भी कुछ लोगों को नहीं लगी है, जिससे आंकड़ा अभी भी कम है। इसकी रफ्तार तेज करने की जरूरत है, जिसको लेकर सरकारें पुरजोर कोशिश कर रही हैं कि तीसरी लहर की आहट जो लगातार बनी हुई है, उसके आने से पहले दोनों डोज जो है वो लोगों को लग सके, ताकि किसी तरह की समस्या ना रहे। क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह से बच्चों पर भी ट्रायल हो रहा है कि बच्चों के लिए भी अब वैक्सीन आएगी, तो ऐसे में उस पर कोई अड़चन ना आए, इसी वजह से दोनों डोज सभी लोगों को लगनी जरूरी है, उन तक पहुंचनी भी बेहद जरूरी है।
कोरोना की तीसरी लहर की आहट के बीच शनिवार को देश में कोरोना के 41,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। कोरोना संक्रमण के चलते 542 मरीजों की जान चली गई, जबकि 49,000 लोगों ने संक्रमण को मात दी है। अब एक्टिव मामलों की बात करें तो 4 लाख से ज्यादा ये संख्या है। इसके साथ ही देश में कोरोना के कुल 3.16 करोड़ मामले हो चुके हैं। अब तक कुल 3.08 करोड़ लोग रिकवर हुए हैं, जबकि 4.24 लाख लोगों की जान जा चुकी है। इस वक्त कोरोना से केरल सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां 5 दिन से लगभग 20,000 से ज्यादा मामले दर्ज हो रहे हैं। शनिवार को यहां 20,624 मामले दर्ज किए गए, जहां 80 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई, जबकि 16,000 से ज्यादा लोगों ने इस बीमारी को मात दी है। केरल में अब एक्टिव मामलों की संख्या 1 लाख से ज्यादा हो गई है। केरल में बढ़ते मामलों को देखते हुए इस बार कंप्लीट वीकेंड लॉकडाउन रखा गया है। सिर्फ जरूरी वस्तुओं की दुकानों को छूट दे दी गई है। तो कोरोना का कहर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। 40,000 से मामले नीचे नहीं जा रहे हैं। बीते एक सप्ताह की हम बात करें तो लगातार 40,000 से मामले ज्यादा ही आ रहे हैं और रिकवरी रेट कम होता हुआ नजर आ रहा है। इसका सबसे जो बड़ा कारण है वो केरल है। केरल में लगातार मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में स्थिति जो है वो और ज्यादा गंभीर बनी हुई है। केरल में एक दिन में 20,000-25,000 मामले सामने आ रहे हैं, जो कि पूरे देश में सबसे ज्यादा आंकड़ा है। वहीं अभी एक्टिव केसेस की बात की जाए तो देश में 4 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं और कुल आंकड़ा जो है संक्रमण का वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो बीते 24 घंटे में कुल मौतें 542 हुई हैं, यानी कि अब भी आंकड़ा शून्य की तरफ बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया आसान होने जा रही है। इससे जुड़ा जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट बिल इसी हफ्ते राज्यसभा में पास हो गया है। इस बिल के पास होने के बाद बच्चों की देखभाल और उन्हें गोद लेने के मामलों में जिलों के कलेक्टर, डीएम और एसडीएम का रोल बढ़ गया है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में प्रस्तावित इन बदलावों का लोकसभा में विपक्ष ने भी समर्थन किया था। हालांकि राज्यसभा में विपक्ष के पेगासस मामले पर हंगामे के बीच ये बिल पास हुआ। 2012 में दिल्ली में निर्भया गैंगरेप के मामले में एक अपराधी जुवेनाइल था और वो 3 साल बाद छूट गया, जबकि निर्भया के परिवार का आरोप था कि उसने ही सबसे ज्यादा बर्बरता की थी। इसके बाद मांग उठने लगी कि जघन्य अपराध के मामलों में जुवेनाइल पर भी वयस्कों की तरह केस चले। इसी के बाद 2015 में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आया। इसमें जघन्य अपराध के मामलों में 16 से 18 साल के बीच के जुवेनाइल पर वयस्कों जैसे केस चलाने का प्रावधान शामिल किया गया। इस एक्ट ने 2000 के किशोर अपराध कानून और किशोर न्याय यानी कि बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2000 की जगह ले ली है। तो बच्चों को गोद लेने के नियमों में बदलाव किया गया है। राज्यसभा में जुवेनाइल जस्टिस बिल भी पास हो गया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें कि एक और बिल जो कि बेहद खास है वो राज्यसभा में पास हो गया है, जिसे जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट बिल कहते हैं। इसी सप्ताह राज्यसभा में ये बिल पास हुआ। इस बिल के पास होने के बाद बच्चों की देखभाल और उन्हें गोद लेने के मामलों में जिले के जो कलेक्टर होंगे, डीएम होंगे, एसडीएम होंगे, उनका रोल बढ़ जाएगा। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में प्रस्तावित इन बदलावों का लोकसभा में विपक्ष ने काफी समर्थन किया। हालांकि राज्यसभा में विपक्ष के पेगासस मामले पर हंगामे के बीच ये बिल पास हुआ। 2012 में दिल्ली में निर्भया गैंगरेप के बाद इस मामले में एक अपराधी जुवेनाइल था, वो 3 साल बाद जेल से छूट गया था, जबकि निर्भया के परिवार का यह आरोप था कि उसने ही सबसे ज्यादा बर्बरता की थी और ऐसी खबरें लगातार सामने आई थी। इसके बाद ये मांग उठने लगी थी कि जघन्य अपराधी जो होते हैं उनके मामलों में भी जुवेनाइल पर वयस्कों की तरह केस चलाया जाए। इसी के बाद 2015 में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आया। इसमें जघन्य अपराध के मामले में 16 से 18 साल के बीच के जुवेनाइल पर वयस्कों जैसे केस चलाने का प्रावधान शामिल किया गया। इस एक्ट ने 2000 के किशोर अपराध कानून और किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2000 की जगह ले ली है। पंद्रह अगस्त के मौके पर सीमा पार पाकिस्तान से चल रहे आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर में एक बड़े हमले की अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों को मिले इनपुट के आधार पर माना जा रहा है कि आतंकी ड्रोन अटैक को अंजाम दे सकते हैं। इसे लेकर सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। इनपुट है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आतंकी जम्मू कश्मीर में एक बड़ा हमला कर सकते हैं। हमला मौलाना आजाद स्टेडियम पर हो सकता है।
जहां 15 अगस्त का कार्यक्रम होना है। सुरक्षा एजेंसियों को जो इनपुट मिला है उसके आधार पर कहा जा रहा है कि आतंकी ड्रोन के जरिए हमला कर सकते हैं। अब तक यही माना जा रहा है कि जिस तरह से 27 जून को जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन के जरिए आईजी से गिराकर हमला किया गया था, वैसे ही हमला 15 अगस्त को भी हो सकता है, जिसके बाद पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। तो 15 अगस्त को लेकर पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट पर है, खासकर कि जम्मू कश्मीर में अलर्टनेस और ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार यहां पर संदिग्ध ड्रोन देखने के लिए मिल रहे हैं, आईजी से भरा बैग मिल रहा है। ऐसे में 15 अगस्त के मौके पर सीमा पार पाकिस्तान से आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर में एक बड़ा हमला करने की कोशिश यानी कि साजिश रच रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों को कुछ इनपुट्स मिले हैं जिनके आधार पर यह माना जा रहा है कि आतंकी ड्रोन अटैक को अंजाम दे सकते हैं। इसे लेकर सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर भी नजर आ रही हैं। इनपुट्स ये भी मिले हैं, इसी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आतंकी जम्मू कश्मीर में एक बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। हमला मौलाना आजाद स्टेडियम पर हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, जहां 15 अगस्त का कार्यक्रम होना तय है। सुरक्षा एजेंसियों को जो इनपुट्स मिले हैं उसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि आतंकी ड्रोन के जरिए हमला कर सकते हैं। अब तक यही माना जा रहा है कि जिस तरह से 27 जून को जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन के जरिए आईडी से गिराकर हमला किया गया, वैसे ही हमला 15 अगस्त को भी हो सकता है, जिसके बाद पूरे इलाके में सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है। एजेंसियां जो हैं वो भी पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से दूसरी बार बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो ने राजनीति से संन्यास ले लिया। उन्होंने शनिवार को सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट लिखकर राजनीति छोड़ने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मैं एक महीने के अंदर सांसद के पद से इस्तीफा दे दूंगा और फिर मुझे मिला सरकारी घर खाली कर दूंगा। इस फैसले के बारे में पूछे जाने पर बाबुल ने कहा कि मेरे पास वाकई कहने के लिए कुछ नहीं है, कृपया मुझे अपनी गरिमा बनाए रखने दें, मैं एक भी शब्द नहीं कहना चाहता, मैं जो कहना चाहता था मैंने लिख दिया है। बाबुल ने अपनी पोस्ट में लिखा कि मैं किसी दूसरी पार्टी में नहीं जा रहा हूं, हमेशा से बीजेपी का सदस्य रहा हूं और रहूंगा। लेकिन कुछ देर बाद ही उन्होंने अपनी पोस्ट एडिट की और उससे हमेशा बीजेपी में रहने वाली लाइन हटा दी। तो बाबुल सुप्रियो की ये पोस्ट कल वायरल हो गई जब उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया और कहा कि अब मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, जो भी कहना था मैंने अपने पोस्ट में कह दिया है। हालांकि उन्होंने पहले तो ये कहा था कि वो किसी भी पार्टी में नहीं जा रहे हैं, मैं बीजेपी के सदस्य हूं और हमेशा से बीजेपी का सदस्य रहूंगा, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने अपनी पोस्ट को एडिट की और बीजेपी वाली जो लाइन थी कि वो हमेशा बीजेपी में ही रहेंगे उसको उन्होंने एडिट कर दिया है और वो लाइन हटा दी है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या बाबुल सुप्रियो दूसरी पार्टी क्या टीएमसी या कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं या फिर उन्होंने हमेशा के लिए ही राजनीति से संन्यास ले लिया है। केरल में कोरोना की रफ्तार पूरे देश को डरा रही है, लेकिन बिहार में इसका कोई खौफ नहीं है। कोरोना के दो मूल मंत्र को ही लोग अब भूल गए हैं, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग दोनों बिहार में कम दिख रहा है। बाजारों के साथ सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ से हर पल कोरोना का खतरा मंडरा रहा है, लापरवाही से ही कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 46 से 76 का आंकड़ा ऐसी ही लापरवाही के कारण हो रहा है। संक्रमण से बचाव को लेकर लापरवाही ऐसी ही होती रही तो आने वाले समय में कोरोना का विस्फोट हो सकता है। एक दो मामले ही संक्रमण की रफ्तार को बढ़ा सकते हैं, अब तक दोनों लहर में ऐसे ही हुआ है। अचानक से कोरोना बढ़ा और फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। पटना में फिर ऐसी स्थिति हो सकती है क्योंकि लापरवाही जारी है। पटना में प्रशासन भी कोई ऐसी रणनीति नहीं बना पा रहा जिससे लोगों की मनमानी पर अंकुश लगाया जा सके। पटना हाईकोर्ट ने कोरोना को लेकर सरकार को निर्देश दिया है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को लेकर गंभीर हो। देश में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और लापरवाही जारी है, सरकार को हाईकोर्ट ने सख्ती का आदेश दिया, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। बाजारों में धावा दल तो घूम ही रहा है लेकिन वहां पर लोग सख्ताई नहीं कर रहे। अगर सरकार की सुस्ती और लोगों की लापरवाही ऐसी ही बनी रही तो आने वाले दिनों में कोरोना का खतरा और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो बिहार में कोरोना का खौफ नजर नहीं आ रहा है। पटना के शहरी वार्डों में 100% वैक्सीनेशन में पटना फिर मुंह की खाया है। 25 के बाद 31 जुलाई का टारगेट दिया गया लेकिन नए डेट पर भी लक्ष्य हासिल नहीं हुआ। महज 89% वैक्सीनेशन हो पाया जो लक्ष्य से 11% पीछे है। इस बीच रविवार को पटना के सभी वैक्सीनेशन सेंटर को बंद कर दिया गया। पटना बिहार में रिकॉर्ड बनाने को तैयार था लेकिन टीका और जागरूकता दोनों ने मुश्किल बढ़ाई है। पटना के डीएम का कहना है कि आवश्यकता से ज्यादा
वैक्सीन कम मिल रही है, अगर टीके की कमी नहीं होती तो लक्ष्य पूरा हो जाता। अब इस लक्ष्य को पूरा करने में एक सप्ताह का समय लगेगा। 25 जुलाई तक पटना के शहरी वार्डों में 100% वैक्सीनेशन का टारगेट रखा गया था। इसे लेकर लगातार बैठकें चली। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर ने लगातार अफसरों को जवाबदेही के साथ लगाया हुआ है। वार्ड में बड़ी जिम्मेदारी अचल पदाधिकारियों की थी और सहयोग में वार्ड पार्षद का बड़ा रोल था। इसके साथ ही टीका की उपलब्धता भी बड़ा मायने रखती थी, लेकिन 25 जुलाई तक लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया और इसे बढ़ाकर 31 जुलाई तक कर दिया गया। डीएम ने काफी सख्ती दिखाई और संबंधित अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी के साथ टारगेट पूरा करने के लिए लगाया। कई बार बैठक की गई और अफसरों की जवाबदेही भी तय हुई। इसके बाद भी पटना में शहरी क्षेत्र में वैक्सीनेशन की रफ्तार पूरी तरह से सुस्त नजर आई है। हालांकि प्रशासन इसे भी बड़ी उपलब्धि मान रहा है, लेकिन 100% होता तो ये बिहार और देश के शहरों की रैंकिंग में बड़ी उपलब्धि हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। 11% पीछे ये रह गया है टारगेट। मध्य प्रदेश में कोरोना के लगातार बढ़ रहे नए मामलों ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश में 8 दिन में 24 से 31 जुलाई तक 96 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमण की जद में आने वाले जिलों की संख्या 8 दिन में 4 से बढ़कर 8 तक पहुंच गई है। इस बीच सागर, पन्ना, छतरपुर, डिंडौरी, बालाघाट, खरगोन, सिवनी जैसे जिलों में भी नए संक्रमित मिले हैं। जानकारों का कहना है कि संक्रमितों का आंकड़ा भले ही कम हो, लेकिन लोगों की लापरवाही से रफ्तार तेजी से बढ़ सकती है। पिछले 8 दिनों में इंदौर में 25 और भोपाल में 20 संक्रमित मिले हैं। 24 जुलाई को प्रदेश के 52 जिलों में 4 प्रमुख शहर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में ही संक्रमित मिले थे। 25 जुलाई को इनके अलावा सागर, बड़वानी जिले में भी नए केस मिले हैं। वहीं 26 जुलाई को ग्वालियर में कोई संक्रमित नहीं मिला, लेकिन डिडौरी में एक मामला सामने आया। 27 जुलाई को ग्वालियर में कोई नया केस नहीं मिला, लेकिन रतलाम, सिवनी, सरखौन में एक एक मामले सामने आए। 28 जुलाई को 4 बड़े शहरों के अलावा रायसेन, सागर, बालाघाट में नए मरीज मिले हैं। 29 जुलाई को ग्वालियर में केस नहीं मिला, लेकिन उज्जैन, पन्ना, सागर, रायसेन में संक्रमित मिले। 30 जुलाई को भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर के साथ साथ छतरपुर और उज्जैन में संक्रमित मिले हैं। वहीं 31 जुलाई को ग्वालियर में मामला सामने नहीं आया, लेकिन छोटे जिले दमोहा, सागर, टीकमगढ़, बड़वानी और रायसेन में भी केस सामने आए। स्वास्थ्य विभाग के उप सचिव बसंत कुर्रे ने बताया कि कोरोना के नए मामले टेस्टिंग के चलते सामने आ रहे हैं। प्रदेश में प्रतिदिन 70 से 75 हजार टेस्टिंग हो रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना अभी हमारे बीच से गया नहीं है, सरकार लगातार टेस्टिंग कर रही है, इसलिए नए 1-2 मामले सामने आ रहे हैं। इससे संक्रमितों को पहचान कर उन्हें आइसोलेट किया जा रहा है। उनका कहना है कि तीसरी लहर की आशंका है, दूसरे देशों में भी केस बढ़ने के मामले सामने आ रहे हैं। संक्रमण रोकने के लिए जनता प्रोटोकॉल का पालन करें। सरकार अपने स्तर पर भी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, हाथ धोना समेत जरूरी सावधानियों के लिए लगातार जागरूक कर रही है और आगे भी जागरूक करती रहेगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच राजनीतिक कड़वाहट कम होने की पहली तस्वीर शुक्रवार को सूबे की जनता ने कोल्हापुर में देखी। लंबे अरसे के बाद दोनों नेता सार्वजनिक रूप से एक साथ दिखे, जिसके बाद शिवसेना और भाजपा के बीच राजनीतिक रिश्ते सुधरने की शुरुआत होने की चर्चा शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश और भूस्खलन की वजह से जान माल का भारी नुकसान हुआ है। करीब 300 लोगों की मौत इस मानसून में विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं में हुई है। मुख्यमंत्री ठाकरे शुक्रवार को बाढ़ प्रभावित कोल्हापुर के दौरे पर थे। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इत्तेफाक से 3 दिवसीय दौरे पर कोल्हापुर में ही थे। इस बात की जानकारी मिलने पर उन्होंने अपने निजी सचिव मिलिंद्र नारकर के माध्यम से फडणवीस के पास संदेश भेजा कि बाढ़ पीड़ितों से किसी एक स्थान पर एक साथ मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी जाए। इसके बाद कोल्हापुर के शाहूवाड़ी चौक इलाके में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। ठाकरे और फडणवीस की मुलाकात भले ही बाढ़ पीड़ितों की मदद पहुंचाने के मकसद से सार्वजनिक रूप से हुई हो, परंतु इसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। हॉकी के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारतीय मिस टीम में से का सामना ग्रेट ब्रिटेन के साथ है। भारत के लिए ब्रिटेन की चुनौती आसान नहीं रहने वाली। ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले को छोड़ दिया जाए तो भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक का सफर काफी अच्छा रहा है, लेकिन भारत के लिए बॉक्सिंग से भी निराशा ही मिल रही है। सतीश कुमार ने 91 किलोग्राम कैटेगरी का क्वार्टर फाइनल मुकाबला गंवा दिया है। उज्बेकिस्तान के बखोदिर जलोवा ने सतीश कुमार को क्वार्टर फाइनल में कोई मौका नहीं दिया। सतीश कुमार ने हालांकि क्वार्टर फाइनल का सफर तय करके इतिहास रचा है। सतीश कुमार के लिए आगे की राह बेहद मुश्किल लग रही है। उज्बेकिस्तान के बखोदिर जलोवा के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मुकाबले में सतीश कुमार ने दूसरा राउंड भी गंवा दिया। यहां से सतीश कुमार के लिए वापसी का रास्ता नामुमकिन नजर आ रहा है।
पंजाब मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल की चर्चा फिर से सुर्खियों में है। इस बारे संकेत खुद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिए हैं। शनिवार को चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत के दौरान कैप्टन ने कहा कि वो जल्द ही पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलेंगे और पंजाब मंत्रिमंडल में फेरबदल के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। कैप्टन ने यह भी बताया है कि सोनिया गांधी से मुलाकात के दौरान वो उन्हें पंजाब में पार्टी की मौजूदा स्थिति के बारे में एक रिपोर्ट भी सौंपेंगे। कैप्टन के इस बयान के बाद पार्टी में हलचल बढ़ गई है। दरअसल कैप्टन मंत्रिमंडल के कुछ मंत्री शुरू से ही सिद्धू के साथ खड़े हो चुके हैं, जबकि कैप्टन के समर्थक मंत्रियों की संख्या भी ज्यादा है और वो सिद्धू को बहुत अधिक तरजीह भी नहीं दे रहे। मंत्रिमंडल में फेरबदल के ऐलान के बाद माना जा रहा है कि सिद्धू खेमे में शामिल मंत्रियों का या तो मंत्रिमंडल से पत्ता कट सकता है या फिर उन्हें मिले हुए सशक्ति विभागों की छटनी हो सकती है। दूसरी ओर ऐसे सीनियर विधायक जिन्हें कैप्टन सरकार में मंत्री की कुर्सी नहीं मिल सकती, वह अगले चुनाव में टिकट के लिए सिद्धू से निकटता बढ़ा सकते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल फेरबदल की घोषणा के बाद ऐसे सीनियर विधायक एक बार फिर कैप्टन खेमे में लौट सकते हैं। इसी बीच ये भी पता चल रहा है कि हाईकमान ने पहले से ही कैप्टन को मंत्रिमंडल फेरबदल जैसे मामले पर खुद फैसला लेने का अधिकार दे दिया था। अगर इस मामले में केवल कैप्टन की चली तो प्रदेश कांग्रेस में धड़बंदी और मजबूत होती हुई नजर आ सकती है। बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर बाइक सवार दंपति को रोडवेज बस ने जोरदार टक्कर मार दी। वहीं हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं महिला का पति गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसे के बाद दंपति के परिजनों ने जमकर हंगामा मचाया। मौके पर पहुंची पुलिस लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराने में जुटी हुई थी। बिजनौर में सीबीएसई की तरफ से घोषित सत्र 2020 से 21 की क्लास 12वीं के परीक्षा परिणाम में बिजनौर पब्लिक स्कूल का रिजल्ट 100% रहा। अपनी परीक्षा रिजल्ट को पाकर छात्रों में खुशी की लहर देखने को मिली। वहीं छात्र छात्राओं ने मिठाई खिलाकर एक दूसरे को कामयाबी की बुलंदी तक पहुंचाने की बधाई दी। इस बार कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के चलते 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई थी। 12वीं क्लास के छात्रों का मूल्यांकन 10वीं 11वीं क्लास में मिले नंबर और प्री बोर्ड परीक्षाओं के आधार पर किया गया था। जैसा कि सभी को मालूम है कि आज सीबीएसई का 12th क्लास का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। इसमें हमारे यहाँ 90 स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं, जिसमें से 21 स्टूडेंट्स ने हमारे 90 प्लस में मार्क्स सिक्योर किए हैं। इनमें से 11 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 95 प्लस में हैं। हमारे स्कूल की जो टॉपर रही है अवंतिका राणा, उसके 98.2% मार्क्स रहे हैं। सेकेंड टॉपर वंशिका सिंह, 97.6% मार्क्स रहे हैं। थर्ड कनिषा सिंह, जिसके 97.4 मार्क्स रहे हैं। मैं इन सभी बच्चों के अभिभावकों को और अपने छात्रों को बधाई देता हूं इतने अच्छे रिजल्ट को सिक्योर करने के लिए। इसके साथ साथ मैं अपने मैनेजमेंट मेंबर को भी बहुत बहुत आभारी हूं, क्योंकि हमारे मैनेजमेंट मेंबर ने पूरी तरह से हमारे को एकेडमिक में सहयोग दिया है। इटावा में लगातार चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। चोर इतने बेखौफ हो गए हैं कि उन्हें पुलिस प्रशासन का कोई डर नहीं रह गया। अब तो चोर पुलिस को चुनौती देते हुए चोरी को अंजाम दे रहे हैं, वहीं पुलिस भी इन चोरों पर लगाम लगाने में असफल साबित होती नजर आ रही है। ताजा मामला इटावा के एकदिल थाना क्षेत्र का है, जहां पर पुलिस को खुली चुनौती देकर चोर थाने के सामने खड़ी इको गाड़ी लेकर फरार हो गए। वही चोर अपनी चोरी को अंजाम देते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। पुलिस अब सीसीटीवी की मदद से चोरों की तलाश में जुट गई है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं अब चोर पुलिस को खुली चुनौती देते हुए भी नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे में चोरी की घटना पूरी तरह से कैद हो गई है। थाने के बाहर इको गाड़ी खड़ी थी, जिसे चोर आए और आसानी से लेकर रफू चक्कर हो गए हैं। पुलिस भी कहीं ना कहीं अब असफल होती हुई नजर आ रही है। बिजनौर में इन दिनों पहाड़ों और मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिश से जहां लोगों का जीना मुहाल है, तो वहीं गंगा के कटान से खून पसीने की मेहनत की कमाई से लहराती गन्ने और धान की फसल पूरी तरह से धाराशाही होती हुई नजर आ रही है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में गंगा के किनारे जो भी खेत हैं उनकी फसलें पूरी तरह से बर्बाद होती हुई नजर आ रही है। लोग जान जोखिम में डालकर फसलों को तुरंत काटते हुए नजर आ रहे हैं, और महज इसलिए कि पशुओं को हरा चारा मिल सके। वहीं गंगा के कटान से ग्रामीणों के चेहरे मुरझाए हुए भी नजर आ रहे हैं। मथुरा के गोवर्धन में कल बसपा का प्रबुद्ध संगोष्ठी ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया गया।
वहीं सम्मेलन में सतीश मिश्रा ब्राह्मणों को संबोधित करते हुए नजर आए। सम्मेलन गोवर्धन के गिरिवर निकुंज में आयोजित किया गया। वहीं एक तरफ से आने वाले विधानसभा चुनाव के पहले ब्राह्मणों को अपनी तरफ करने की कोशिश है। इसी के साथ संगोष्ठी में राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा, पूर्व मंत्री निकुल दुबे सहित कई ब्राह्मण नेता मौजूद रहे। बसपा नेता और तमाम कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारियों में जुटे हुए नजर आए। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव परम आदरणीय सतीश मिश्रा जी आज गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत निरकुंज आश्रम में प्रबुद्ध वर्ग के सम्मान स्वाभिमान के लिए एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो उसी सम्मेलन की तैयारियों के उपलक्ष्य में हम यहाँ आए हुए और तैयारियों को करवा रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। मेरे भारत में लोगों को बरगलाना इतना आम क्यों हो गया है? मेरे भारत में फेक न्यूज़ फैलाना इतना आम क्यों हो गया है?